अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम फोर की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम आपकी खिदमत में जी अल मशहूर लफाफा किलर का रिव्यू लेके आए हैं, जिसके अंदर नाजरीन ये भाई ये एक आ रहे हमारे पीछे से, इनको बड़ी हैवी उंगल हुई हुई है। ये भाई उड़ तो ही आगे निकलेंगे अभी। ये चेक करें भाई, सिविक कैक्स वाले अपने 40 लाख जाया करते हुए फुल टाइम चपे। जिसके अंदर हमारे पीछे बैठे हुए हैं जी, ये चेक करें थड़े पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी सारी कमाई गाड़ी के ऊपर लगा दिया है। और आज हम आपको इस गाड़ी का रिव्यू देंगे कि इसमें इंजन कौन सा है, एक्सटीरियर पे क्या क्या काम है और इंटीरियर में इसमें क्या क्या काम है। वह सबसे पहले हमेशा की तरह हम गाड़ी के एक्सटीरियर पे आते हैं, तो सबसे पहले हम इसका गाड़ी का फ्रंट देखें। तो गाड़ी के फ्रंट पे क्लियर टेल लाइट्स लगी हुई हैं, क्रिस्टल टेल लाइट्स। और गाड़ी का फ्रंट का जो बम्पर है ये इजी हैच का लगा हुआ है, गाड़ी का अपना नहीं है। उसके अलावा गाड़ी के साइड्स पे आ जाएं तो सबसे पहले हम रिम टायर्स पे आ जाएं, तो गाड़ी को 15 इंच 7 JJ के RP1 के रिम्स लगे हुए हैं फ्रंट पे भी और बैक पे भी, जिनके ऊपर 195/50/15 का टायर लगा हुआ है। गाड़ी की साइड स्कर्ट पे आ जाएं तो इसको 2000 की साइड स्कर्ट लगी हुई है, जिसको हमने अल्ट्रेशन करके ईजी पे लगाया है। उसके अलावा गाड़ी में सनरूफ वगैरह है और गाड़ी के फ्रंट भी डिस्क ब्रेक्स हैं और गाड़ी की जो बैक हैं वो भी डिस्क ब्रेक्स हैं। गाड़ी फोर व्हील डिस्क ब्रेक्स पे है। और गाड़ी के अब हम बैक पे आ जाएं तो बैक पे आप देख सकते हैं गाड़ी की डिग्गी के ऊपर डक्टेड स्पॉइलर लगा हुआ है। उसके अलावा खूबसूरती ऐड करने के लिए नीचे क्लियर टेल लाइट्स लगी हुई हैं, LED लाइट्स लगी हुई हैं। और बम्पर के ऊपर हमने डिफ्यूज़र लगाया हुआ है एयर फ्लो के लिए और नीचे HS का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं जी, हमारे मामी जी यहाँ पे एंटर हो चुके हैं जी। मामी जी हमेशा यहाँ पे भी आते हैं, चवल ही मार के आते हैं। इनका बस नहीं चल रहा था तो उन्हें भी गाड़ी अंदर घुसेड़ देनी थी। जी हमारी गाड़ी मामी के इंटीरियर पे आ जाएं तो आप इंटीरियर चेक कर सकते हैं, इंटीरियर की हालत अच्छी है, कोई बहुत खास नहीं पर अच्छी है। इसको डैशबोर्ड वगैरह चंगी हालत में, सारा टो कार्ड वगैरह, सीट्स वगैरह। उसके अलावा ये गाड़ी भी P08 नेपच्यून हुई हुई है और इसके अंदर वाइड बैंड लगा हुआ है। चेक करें हाँ जी व्हीलर गाड़ी के इंजन वे पे आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं। इसमें जी H22A डला हुआ है, ये 2200 cc होंडा का इंजन होता है, ड्यूल ओवरहेड कैम वीटेक इंजन होता है। और जब इंजन की बे के ऊपर ऊपर वाली चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें एयर इनटेक लगा हुआ है, एयर इनटेक वाले पाइप के साथ। उसके अलावा इसको 12 mm वाली स्पार्क प्लग की तारें लगी हुई हैं। उसके अलावा इसको FPR लगा हुआ है, 4G प्रेशर रेगुलेटर। और इसको 41 के हेडरेस्ट लगे हुए हैं। उसके अलावा गाड़ी में जो गियर है वो जी T2-T4 है LSD। और गाड़ी जो स्टॉक इंजन होता है ये 200 हॉर्स पावर बनाता है, इसकी थोड़ी बहुत उससे ज़्यादा है। उसके अलावा आप गाड़ी में चेक कर सकते हैं जी, ये 3-way कॉयल ओवर लगे हुए हैं, इसमें अप डाउन हार्डनेस सॉफ्टनेस वाली सेटिंग होती है। और BC रेसिंग के इसमें कॉयल ओवर लगे हुए हैं फ्रंट पे और बैक पे भी, इसको BC रेसिंग कॉयल ओवर लगे हुए हैं। तू गाड़ी स्टार्ट कर ले रिया साहब अपना AC चेक करवाते हुए शहूर साहब को। इसमें हमने फ्रेश अभी 16 इंच वॉल्स रेसिंग इंजीनियरिंग के रिम टायर इंस्टॉल किए हैं। और गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, ये भी फुल टाइम चमक चमक रही है। और आप ज़रा हम आपको गाड़ी के हैरान की वीडियोस दिखाते हैं थोड़ी बहुत ही, जिसमें गाड़ी अपना जोश दिखा रही है, अपना वीटेक चला के दिखा रही है। तो आइए चलते हैं उन वीडियोस की तरफ। श्योर गाड़ी के रिव्यू या व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।